अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन यंगस्टर यंग बॉयज का डोमिनेशन जारी है। आपको पता होगा पहले मुकाबले में हमारी जो इंडिया की अंडर 19 टीम थी उसने बांग्लादेश को वन साइडेड हराया था, और अब दूसरे मुकाबले में आयरलैंड को उससे भी ज्यादा बड़े मार्जिन से बिल्कुल वन साइडेड डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको बता दें यहां पर इंडिया ने जो है 201 रनों से आयरलैंड को बिल्कुल निस्तनाबूद करके रख दिया है। निस्तनाबूद करके रख दिया। उदय सारन कप्तान ने अच्छी पारी खेली एक बार फिर। सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान, उनका भी आज काफी अच्छा दिन गया, उन्होंने भी बेहतरीन 100 रन लगाए थे। और अगर हम स्कोर कार्ड पर एक बार नजर डालें तो इंडिया अंडर 19 टीम ने 301 रन बनाए थे 50 ओवरों में, जिसमें आपके मुशीर अहमद खान ने 100 लगाया था। उदय सहारन कप्तान इन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी और कुल मिलाकर 301 रन इंडिया ने बनाए थे। इसके बाद आयरलैंड की टीम जो है वो पूरी तरीके से ढेर हो गई हमारे बॉलर्स के सामने, 100 रनों पर मामला रफा दफा कर दिया। जहां पर आपको बता दें कि नमन तिवारी लेफ्ट आर्म पेसर, इन्होंने 10 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेटें ली। सौमी पांडे लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिन्होंने पिछले मैच में भी काफी इंप्रेस किया था, इन्होंने 9 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेटें ली। उदय सहारन कप्तान ने भी हाथ आजमाए बॉलिंग से, उन्होंने भी एक विकेट निकाला। अभिषेक ने एक विकेट निकाला और देवाशीष गौड़ा, इन्होंने भी एक विकेट निकाला। तो कुल मिलाकर वन साइडेड विक्ट्री एक बार फिर से प्रियांशु, आयरलैंड को भी डोमिनेट करते हुए हरा दिया। और ये एक्सपेक्टेड था बांग्लादेश को, अगर आपने जिसने सेमीफाइनल में आपको हराया था अंडर 19 एशिया कप के, उसको आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में जब हराया था तभी ये चीजें क्लियर हो गई थी कि यहां पर इंडिया को कोई दिक्कत नहीं आने वाली एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में, और वही चीज हुआ यहां पर, वन साइडेड थ्रैशिंग By team India. 100%. उदय सारन की बात करो यार, कप्तान देखो ऑब्वियसली अंडर 19 एशिया कप इतना अच्छा नहीं गया था, इनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, बहुत स्लो नॉक खेल रहे थे, वहां पे देख रहे थे हम 10 गेंदे 0 रन बना के फिर वहां पे विकेट गवा रहे थे। लेकिन फाइनली आज पता हुआ क्या है कि यहाँ पे कप्तान ने इंपॉर्टेंट सिचुएशन में डिलीवर करा है। अब देखो मैं ओपनिंग पे, वहां पे आदर्श सिंह और अश्विन कुलकर्णी, आदर्श ने बनाया आपके 17 रन और अश्विन कुलकर्णी ने बनाए थे आपके 32 रन। हुआ क्या था कि आपने थोड़ा सा जल्दबाजी में अपनी विकेट्स गवा दी थी, लेकिन वहां पे मुशीर खान जो कि सरफराज खान के भाई हैं, उन्होंने, दोनों भाइयों के गोल्डन डेज चल रहे हैं बाय द वे, लेकिन यहाँ पे मैं देखूं मुशीर खान ने 106 गेंदों पे 118 रन की नॉक खेली, 9 चौके 4 छक्के। प्रेशर सिचुएशन होती है जहां पे आपके दोनों के दोनों ओपनर्स आज फ्लॉप रहे, ठीक है, यहाँ पे इनकी कोई परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनल नहीं आई थी और प्रेशर था आपके पास। मुशीर खान ने वहां डिलीवर करा 100 जड़ाए, और इन 100 की ना चाहे भले किसी भी टीम के अगेंस्ट आई हो, आयरलैंड के अगेंस्ट आती हो, बांग्लादेश के अगेंस्ट आती हो, ऐसे सिचुएशन में नॉक खेलना, ऐसी नॉक खेलना जहां पे 100 रन जड़ो। और ऐसा भी नहीं कि आपने स्ट्राइक रेट बहुत धीमी रखी है, स्ट्राइक रेट आपकी बाय द वे 111.32 की रही, तो आपने स्ट्राइक रेट अप करके खेला तो वो बहुत बड़ी बात है, और प्रेशर सिचुएशन में आपने रन बनाए। साथ ही में आपका उदय ने बहुत अच्छा साथ दिया एज ए कैप्टन, क्योंकि एज ए कैप्टन में पहले ही बात कर रहा था कि एज ए कैप्टन विद द बैट आपको डिलीवर करना पड़ता है, देखो जो भी आपका रोल है पर्टिकुलरली, अगर आप एज ए बॉलर हो, एज ए बैटर आप खेल रहे हो, तो कप्तानी तो आपका है ही एक क्रूशियल रोल, लेकिन उसके साथ साथ आप एक और रोल निभा रहे हो एज ए बैटर, और एज ए बैटर इन्होंने भी बड़ा अच्छा साथ दिया यार मुशीर खान का। ये देखिए आप, उदय शरण और मुशीर खान ने, दोनों ने, उदय शरण ने आपका शतक जड़ा, मुशीर खान ने आपका शतक जड़ा, उदय शरण ने आपके 75 रन बनाए, और नीचे भी आपका वो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन जो आया जिसकी वजह से आप 301 रन तक पहुंच गए थे, 302 रनों का लक्ष्य रखा था आपने, 7 विकेट्स गवाई थी, और वहां आपके बॉलर्स ने जो है वो कोई कमी छोड़ी नहीं। कहते ना कि यार ऑलराउंड परफॉर्मेंस आनी चाहिए एक मैच के अंदर, एक तरफा परफॉर्मेंस नहीं आनी चाहिए, सिर्फ बल्लेबाज आपके परफॉर्म कर दे और गेंदबाज वहां पे आपका मैच छोड़ दे, लेकिन गेंदबाजों ने भी मैच पकड़ के रखा। सबसे ऊपर नाम आता भाई नमन तिवारी का, नमन तिवारी ने 10 ओवर में 53 रन देके 4 विकेट लिए। अच्छा याद होगा पांडे जी आपको, जब अंडर 19 एशिया कप चल रहा था वहां पे सबसे ज्यादा बात ही हो रही थी इस नाम की, नमन तिवारी की। हालांकि नमन तिवारी का इतना नाम, जो नाम था उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी उस टूर्नामेंट में, लेकिन अब जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि इवन मेरे को याद है जब अंडर 19 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे थे, यार देखो मेरे को याद है अंडर 19 एशिया कप की बात कर रहा था मैं, तो वहां पे हुआ क्या था ना कि जब मैं लाइव कर रहा था जब सेमीफाइनल के बाद, तो मैंने सीधी सीधी बात बोली थी, भाई आप तो ये अंडर 19 एशिया कप खेल रहे हो, वर्ल्ड कप में तो आपको बड़ी बड़ी टीम्स मिलने वाली है, वहां आप क्या करोगे। हालांकि देखो और यहां पे डिलीवर करा, अभी इनिशियल डेज है यहां पर, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में आपको बांग्लादेश की टीम मिल गई, हालांकि बांग्लादेश से आप हार गए थे लेकिन आप डिजर्व नहीं करते थे, उस टाइम पे भी आपको जीतना चाहिए था। जी वर्ल्ड कप के स्टेजेस, वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी बांग्लादेश ने टफ फाइट जरूर दिया था वहां पर, लेकिन इस टीम ने फिर वहां से वापसी भी की, उसमें भी उदय सारन कप्तान का काफी अच्छा योगदान था, उस मैच में भी 50 लगाए थे, आज भी 50 लगाया, बॉलिंग से भी एक विकेट निकाली। सौमी पांडे लगातार इंप्रेस कर रहे हैं, पहले गेम में भी विकेट, इस मैच में भी 3 विकेटें, गौड़ा ने एक विकेट निकाली, नमन तिवारी ने भी 4 विकेटें, ऊपर से ही नमन तिवारी ने जो विकेट निकालना शुरू किया फिर वो गेम से ही बाहर हो गए। और वैसे भी देखो
मुरुगन अभिषेक के नाम भी एक विकेट है, लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से टीम का डोमिनेशन था ये एक्सपेक्टेड था, ये इसमें कोई था नहीं। आपके लिए अल्टीमेट चैलेंज होगा जब यहाँ पर आप ग्रुप स्टेज पार करके सुपर सिक्स राउंड में जाओगे, वहां पर आपको हो सकता है कि हो क्या सकता है 100% आपको जिस तरीके से ग्रुप्स का फॉर्मेट बना हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच आपको सुपर सिक्स स्टेज में देखने को मिलेगा, तो चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी आपको चलो बांग्लादेश की पिक्चर बाकी है, आयरलैंड की टीम मिल गई, इसके बाद आप एक और गेम खेलोगे, यहां से आप आगे निकल जाओगे, लेकिन असली कंपटीशन जो शुरू होगा टीम इंडिया का वो होगा जब आप सुपर सिक्स स्टेज में जाओगे, जहां पर आपको पाकिस्तान और भी बड़ी बड़ी टीमें मिलेंगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि आप किस तरीके से वर्ल्ड कप में जो इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो इंडियन टीम की डोमिनेशन रहे। लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज है भाई, पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें, पहले स्थान पे इंडिया अंडर 19, दो मैचेस खेले, दोनों मैचेस जीते, 4 पॉइंट्स। एंड सबसे गौर करने वाली बात है नेट रन रेट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है बड़े टूर्नामेंट्स में, और जो कि इनकी पॉजिटिव में बहुत तगड़ी नेट रन रेट, यहाँ पे अगर मैं देखूं +2.850 की इनकी नेट रन रेट है। दूसरे पे आपकी बांग्लादेश, इनको हम हरा चुके हैं, ये अपना एक मैच हालांकि जीत गए लेकिन इनको हमने हराया था, जो ये एक मैच हारे, दो मैचेस में इनकी एक जीत है एक हार है, 2 पॉइंट्स और इनकी नेट रन रेट देखिए नेगेटिव में है, इनकी -0.667 की है। तीसरे पे है आयरलैंड, आयरलैंड अपने 3 मैचेस खेल चुकी है और 2 मैचेस हार चुकी है, आज इन्होंने अपना वो दूसरा मैच जो ये हार गए हैं और बहुत डोमिनेटिंग तरीके से आ रहे, क्योंकि 200 के मार्जिन से अगर आप हारते हो तो बहुत बड़ी हार मानी जाती है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे अगर इनकी नेट रन रेट देखिए, इनकी भी नेगेटिव है नेट रन रेट, बट 2 पॉइंट्स है। ये इस तरीके से फॉर्मेट डिजाइन किया गया ना कि आप हर एक ग्रुप से सुपर सिक्स जब स्टेज होगा तो 3-3 टीमें आगे क्वालिफाई कर जाएंगी, 6 टीमें ग्रुप में जाएंगी, 6 टीम दूसरे, तो ये तीनों पहुंचेगी यार। तो ग्रुप ए से ये 3 टीमें मोस्ट लाइकली इंडिया बांग्लादेश और आयरलैंड की टीम जाएगी। एक बार ग्रुप डी दिखा दो, बिकॉज ग्रुप ए की 3 टीम और ग्रुप डी की 3 टीम, ग्रुप डी में पाकिस्तान भी है, तो ये 3 टीम इधर से और उधर से 3 टीम ये एक ग्रुप में जाएंगी और फिर उसके बाद सुपर सिक्स में ये आपस में मुकाबला, इंडिया पाकिस्तान, वहां पर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा और जो ग्रुप डी की जो बाकी 2 टीमें हैं उनसे इंडिया का मुकाबला होगा ग्रुप डी। तो इस तरीके से टीम्स बटेंगी वहां पे और फिर उसमें आप देखोगे वहां पे जब मुकाबला होगा उसके बाद असली कंपटीशन शुरू होगा। अभी तो चलो शुरुआत है, बड़े बड़े मैचेस आप जीत रहे हो, पॉइंट्स टेबल में आगे भी हो, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। इसमें ग्रुप डी दिखाने के लिए जरा देते हैं, ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब ग्रुप डी में टॉप पे है वो भी अच्छा कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता यार, चाहे अंडर 19 टूर्नामेंट हो, चाहे आपका मेजर टूर्नामेंट हो, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे बड़ी राइवलरी होती, देखो ये सबसे अल्टीमेट राइवलरी है, क्योंकि पिछली बार जब ये राइवलरी हुई थी तो हम पे थोड़ी सी भारी पड़ी थी राइवलरी, पाकिस्तान अंडर 19 अंडर 19 एशिया कप इमर्जिंग में हार गए, अंडर 19 एशिया कप बोल रहा हूं, वहां पे भी प्रेशर तो बना था यार हम पे यार, लेकिन हम अच्छा हाँ अंडर 19 का हारे भाई, हम अंडर 19 एशिया कप हारे हैं भाई, हम बदला लेना हमने, ये देखिए भाई। अच्छा यहाँ पे पाके, अरे वाह जी वाह, पड़ोसी भी टॉप पे, हम भी टॉप पे, पड़ोसियों की नेट रन रेट की बात करें, नेट रन रेट भी बढ़िया है, पॉजिटिव में 2 मैचेस दोनों जीते हैं, न्यूजीलैंड ने भी 2, न्यूजीलैंड भी जीती है, नेपाल भी, नेपाल तो हार गई भाई। लेकिन एक बात बोलूं, यहाँ पे ये ग्रुप थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पे यूएसए है, यूएसए तो नहीं होगा, आयरलैंड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेपाल और अफगानिस्तान में से कौन पहुंचेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्या, जो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात अभी है। तो अभी के लिए तय लग रहा है कि आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक और गेम अंडर 19 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा सुपर सिक्स में, और मोस्ट लाइकली फिर हमें बदला भी लेना है, जो हम एशिया कप में हार गए थे तो उसका भी बदला भी बाकी है। नहीं यार बदला तो लेना चाहिए आपको यार, पिछली बार जब हुआ था तो यार बहुत ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि उसका लाइफ भी मैं ही कर रहा था, तो मुझे भी बदला लेना है कि इंडिया की हार पे यार, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि इंडिया की हार में लाइफ मेरे नाम पे ही आती है कि भैया मुझे लाइफ करना है, बट ठीक है चलो अब आते अपने अपने असली मुद्दे पे आते हैं। अभी के लिए ये कि इंडियन टीम ने लगातार 2 में से 2 मुकाबले जीत लिए हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत हो गई है, पहले बांग्लादेश को हरा दिया, अब आयरलैंड को हराया, उम्मीद करते हैं कि विनिंग जो मोमेंटम यहां से कैरी फॉरवर्ड किया इस टीम ने ये जारी रहे और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो बादशाहत एक तरीके से रहती है इंडिया की, जहां पर हर बड़ी बड़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने जिन्होंने अंडर 19 स्टेज से इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर तय किया, यहाँ से भी कुछ प्लेयर हमें देखने को मिले। अभी आप डिफेंडिंग चैंपियंस आप देखो तो इंडिया ही है, यश धूल की कप्तानी में जीता था, तो उम्मीद करते हैं कि उस लेगेसी को उदय सहारन के नेतृत्व वाली यह टीम भी जारी रखेगी। अभी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, डोमिनेट किया आपने।